गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी विच पार्टवन अकेडमी। तो क्या हाल है साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार जबरदस्त होंगे। और आज अब देखो, ये जो क्लास है मंडे से चेंज हुआ शेड्यूल, तो मंडे को हम लोगों ने क्या देखा? प्राचीन भारत। ट्यूजडे को क्या देखा? मध्यकालीन मिडिवल इंडिया। और आज देख रहे हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री के 40 सवाल, बहुत मजा आने वाला है आज। क्यों मजा आने वाला है? क्योंकि सर कुछ नई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चों में पवन कुशवाहा जी, भैया प्रणाम, जय महाकाल, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। और अभी 12:40 पे क्लास था आपकी प्लस पे, तो अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक घंटे में 50 सवाल देखे और फिर पूरा का पूरा थ्योरी देख लिया। तो अगर आप आए होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा, ना तो अभी भी स्टिल ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, क्योंकि दूसरा लेक्चर आज 5 बजे है, 5 PM पे। पहला लेक्चर कितने बजे? 12:40 पे, क्योंकि अभी भी 22% का जो ऑफर है वो स्टिल है, 22% ऑफर चल रही है पूरी की पूरी टीम जो आपको पढ़ाएगी। तो 22% ऑफर का फायदा उठाइए, रेफरल कोड जो बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं माय डियर हमारे साथ, है ना? आप ये कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे, ये आपका रेलवे प्राइस देख सकते हो 3 मंथ का 1500। जैसे आप कोड यूज करोगे 22% लगभग 1000 रुपये के आसपास पड़ेगा, लेकिन 6 महीने मच बेटर है, क्योंकि एग्जाम हो सकता है अगर एक्सटेंड हो तो आप कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। SSC में भी एप्लीकेबल है बच्चे, चाहे रेलवे हो, SSC हो, सब में एप्लीकेबल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आज पहला लेक्चर हुआ, दूसरा लेक्चर कितने बजे? शाम को 5 बजे। चलिए सवाल नंबर 1 देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ फेबनिज्म एज अ मूवमेंट, कौन एक आंदोलन के रूप में फेबियन वाद का समर्थक था, बताइएगा। बताइए बच्चे क्या होगा? गौरव, आज 1:30 PM पे इसलिए क्लास नहीं हुआ माय डियर, क्योंकि 12:40 पे जो क्लास थी वो लंबा चल गया, 12:40 वाली क्लास थी वो लंबा खींच गया, इसीलिए 1:30 PM पे क्लास नहीं हुआ। लेकिन अब से वो 1:30 PM वाली जो क्लास है वो 1:35 PM पे हुआ करेगी, ठीक है, 1:35 पे हुआ करेगी कल से, ठीक है। तो क्या होगा? इनिबेसेंट। क्या भाई? इनिबेसेंट, यानी इनिबेसेंट को फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक माना जाता है। एक्चुअली 1888 निवासी में फेबियन सोसाइटी के सदस्यों ने 700 से अधिक भाषण दिए। इनिबेसेंट, सिडनी बेव, बर्नार्ड सॉ, विलियम क्लार्क आदि। फेबियन लेख नामक एक संग्रह 1889 में प्रकाशित कराया और इन्हीं के सहयोग से 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई है। तो कौन है? इनिबेसेंट है, याद रखिएगा, जो भारत में 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता करती है कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बता सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया, कौन सा पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, छोटू राज ने रेड ड्रैगन कह दिया, सपना कह रही है हेक्टर है, और कोई? रेड ड्रैगन, हेक्टर, रेड ड्रैगन, हेक्टर। देखिए, तो सबसे पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था वो रेड ड्रैगन है, हेक्टर भी है, हेक्टर भी जहाज है, लेकिन हेक्टर से कौन आया था उसके बारे में समझते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था। रेड ड्रैगन ने 1612 ईस्वी में स्वैली की लड़ाई में पुर्तगाली से लड़ा और ईस्ट इंडीज के लिए कई यात्राएं की हैं, जबकि हेक्टर जो है वो 1600 ईस्वी में भारत आए थे। तो रेड ड्रैगन पहले आया था, याद रखिएगा, रेड ड्रैगन पहले आया है, जबकि हेक्टर आया था कब? 1600 ईस्वी में। विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज के कमांडर थे। तो पहला क्या होगा? रेड ड्रैगन है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, केबीसी में 7 करोड़ का सवाल था, क्या बात है। महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया था, नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो नेतृत्व किसने संभाला? अब्बास तैयब जी ने। अब ये देखोगे अगर आप, सर नमक सत्याग्रह शुरुआत कब हुई? नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ है। वायसराय कौन है भारत में? लॉर्ड इरविन है। कौन है? लॉर्ड इरविन है भारत में। कौन है भाई? लॉर्ड इरविन। और अब्बास तैयब जी को गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, ऑफ गुजरात याद रहेगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात अब्बास तैयब जी को। अब्बास तैयब जी भारत के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एक बार गुजरात उच्च न्यायालय जो उसमें बड़ौदा था मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए। महात्मा गांधी ने गांधी गिरफ्तारी के बाद मई 1930 में नमक सत्याग्रह के नेता के रूप में 76 साल की उम्र में तैयब जी को नियुक्त किया था। ठीक है, क्लियर है? हाँ, गुजरात गांधी भी कहते हैं। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए बच्चे। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 था लॉर्ड इरविन, क्या बात है प्रजापति जी, बहुत सुंदर। बताओ क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। तो जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जेल नेहरू थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के प्रमुख थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के प्रमुख थे। देख सकते हो, खाद्य एवं कृषि विभाग के प्रमुख थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट की बात करें, जब कांग्रेस नेताओं ने मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरम पंथियों ने पार्टी छोड़ दी, और पार्टी छोड़कर क्या बनाया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं, बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या होगा? तो जब कांग्रेस नेताओं ने मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरम पंथियों ने पार्टी छोड़ दी और उस पार्टी का नाम इंडियन लिबरल फेडरेशन रखा है। ऑप्शन नंबर डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन रखा है। भाई स्वराज पार्टी तो कब हुआ था? स्वराज पार्टी तो ये 1923 की बात करता है, जब गया अधिवेशन के बाद। स्वराज पार्टी कैसा लगा रहे हो जरा बता दो मुझे। जब कांग्रेस नेताओं ने मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कई नरम पंथियों ने 1919 में इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाने की पार्टी छोड़ दी। ठीक है, अब सवाल बनेगा कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1919 में। किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। याद रहेगा तो चीजों को याद रखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन कहां से क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट की बात करें, आधुनिक भारत में आमतौर पर स्थानीय स्वशासन के अग्रदूत के रूप में किसे मानते हैं? हु इज जनरली एक्नॉलेज्ड एज द पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया? रिपन, मेयो, लिट्टन, कर्जन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। तो कौन है? रिपन। और रिपन के समय में ही 1882 में पहली बार 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत होती है। 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत मानी जाती है, जबकि सबसे पहले मेयो के समय में 1872 में जनगणना हुआ था, है ना। तो 18 मई 1882 को लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को सरकार के मैग्ना कार्टा के रूप में सम्मानित किया गया और उन्हें भारत में
स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना गया। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है, याद रखिए। कौन सा सीधे 1932 के पूना संधि से संबंधित था? भारतीय महिलाएं, भारतीय श्रमिक वर्ग, भारतीय किसान, भारतीय शोषित वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, पता ही क्वेश्चन नंबर 7 बचे। तो कौन सीधे 1932 के पूना संधि से संबंधित था? भारतीय शोषित वर्ग, इंडियन डिप्रेस्ड क्लासेस। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब और गांधी जी के बीच समझौता होता है। बी लगा रहे हो बेटा, डिप्रेस्ड क्लास था ना, दलित था ना, शोषित मतलब क्या हो गया? दलित। शोषित मतलब क्या हो गया? दलित, है ना। तो पूना समझौते पर 24 सितंबर 1932 को बंबई में हस्ताक्षर किए गए। इसके द्वारा शोषित वर्गों के लिए अलग मतदाताओं को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, किस राजवंश के दस्तावेजों में मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8, मजा आएगा, नया सवाल दिख रहा होगा आपको, बताइए जरा क्या होगा। मैं वेट करता हूं आपके कमेंट्स का, बताइए। 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर कम्युनल अवार्ड, यरवदा जेल, अजय कटलन ने तो पूरा जानकारी दे दिया। अक्षय जी आपने डी कहाँ लगाया? आप तो A4 अच्छा लगा रहे हो, A4 अच्छा लगा रहे हो। ऐसा हाल रहा तो T4 ट्विंकल आएगी और आपको कहीं और उड़ा देगी। बता भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? मराठा। तो जो मोदी स्क्रिप्ट है वो मराठा राजवंश के दस्तावेजों में यूज किया गया है। कहां यूज किया गया? मराठा। वडियार कहां था? मैसूर। वडियार, मैसूर और जमोरिन की बात करें तो ये केरल का शासक जो पुर्तगालियों का वेलकम करता है, है ना। ये देखो, मराठों के दस्तावेजों में मोदी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से राजस्व और प्रशासनिक अभिलेखों को बनाए रखने के लिए, और ये था मोदी मतलब मोड़ा हुआ। देखो इसका जो स्क्रिप्ट है मोड़ा हुआ दिखता है ना, इसीलिए इसका नाम मोदी लिपि पड़ा है। क्या पड़ा है? मोदी लिपि पड़ा है। मोदी लिपि मत समझना, मोदी है, मोदी, मोदी। कहीं कहीं मोढ़ी लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं मोढ़ी लिखा हुआ मिलेगा। तो मोदी जी मत समझना कि मोदी स्क्रिप्ट है, मोदी जी ने कुछ लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का जो बेस है, वो आधार है, वो क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं सुने लास्ट स्टूडियो पे क्लास नहीं हो बच्चे, क्योंकि जो प्लस है 12:40 वाली वो लंबा खींच गया, इसीलिए वो क्लास हो नहीं पाया। कल से 12:35 पे होगा। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 वो आधार बना किसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का आधार बना है। ठीक है भाई, याद रखिए बिल्कुल। प्रसिद्ध INA परीक्षणों में अधिवक्ता कौन था? हु वाज द एडवोकेट एट द फेमस INA ट्रायल्स? भोला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या श्री राजगोपालाचार्य? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। प्रसिद्ध INA परीक्षणों में अधिवक्ता कौन था? तो प्रसिद्ध INA परीक्षणों की बात करें तो कौन है? भोला भाई देसाई, ये वकील थे। क्या थे? ये वकील थे माय डियर। तो भोला भाई देसाई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और प्रशंसित वकील थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देशद्रोह के आरोपी 3 भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के अपने बचाव के लिए अच्छी तरह से याद किया जाता है। ये कहां हुआ था केस? तो रेड फोर्ट में। ये केस कहां लड़ा गया था? लाल किला में, रेड फोर्ट में लड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी की शुरुआत करने वाले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकेले, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए। विराट कोहली, छोटी शर्मा, लिट्टन और रिपन दोनों, वर्षा, हर्षित, सबने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 11 बता दो भाई क्या होगा? क्या होगा? अब देखो आप लोग सब मैकाले लगाओगे,
अब आप लोग सब मैं काले लगाओगे, लगाना भी चाहिए, लेकिन सवाल में जब गवर्नर जनरल पूछेगा तो मैं काले क्यों लगाएंगे जरा मुझे बता दो। आप लोग सब मैं काले क्यों लगा रहे हो मुझे ये बता दो। सवाल में गवर्नर जनरल पूछा है कि मैं काले पूछा है? क्योंकि हम क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, ऑप्शन में इतने मशगूल हो जाते हैं और मैं काले लगा के चले आते हैं, गलती कर बैठते हैं। देख लो क्वेश्चन क्या है, गवर्नर जनरल पूछा है। तो अंग्रेजी शिक्षा आधिकारिक तौर पर 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा भारत में पेश किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, वांडुवास की लड़ाई फ्रेंच बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला की लड़ाई डलहौजी बनाम मेरठ, खरदा की लड़ाई निजाम बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए क्या हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, हमें पवन जी हमें सही से दिखता कहाँ है, दिक्कत तो यही है। तो कौन सा युग में सही सुमेलित है बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 12। वांडवस की लड़ाई बिल्कुल सही है, बाकी बस सब एरर है। फ्रेंच बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर क्या होगा तो देखते हैं, आइए। 1960 में वांडवस की लड़ाई किसके बीच, फ्रेंच को हराकर अंग्रेजों ने जीता। बक्सर की लड़ाई भैया मुनरो था, 22 अक्टूबर 1764 को। तो कौन कौन सर, मीर कासिम है, मीर जाफर नहीं था, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय को हराया बक्सर के युद्ध में। और खरदा की लड़ाई की बात करें तो 1795 में खरदा की लड़ाई हुई, किसके किसके बीच, निजाम और मराठा संघ के बीच में। और इसी में गवर्नर जनरल सर जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, याद रखिएगा, ठीक है। चिलियावाला की लड़ाई जनवरी 1849 में पंजाब के चिलियावाला क्षेत्र में अंग्रेज और सिख के बीच लड़ा गया, जो आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जितने भी मैंने बैटल बताए, जितने भी युद्ध बताए, उसे दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रांत में 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस मंत्रालय का गठन नहीं किया गया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज अ कांग्रेस मिनिस्ट्री नोट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935। क्या होगा, बेटा 1760 ही बोले, 1960 थोड़ी बोला मैंने, अगर ऐसा है तो स्लिप ऑफ टंग है ना, पंजाब। तो 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस ने पंजाब में सरकार नहीं बनाई, क्योंकि पंजाब में बहुमत था ही नहीं। 8 राज्यों में सरकार बनाई, 8 राज्यों में, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत है, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत, ठीक है, याद रखिएगा। तो बॉम्बे, मद्रास, देखो 5 में कौन कौन, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बिहार और फिर NWFP और असम में भी कांग्रेस के मंत्रालय बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया, कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया इन विच ईयर, 1946, 1945, 1942, 1940, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। तो कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, 1946 में। तीन लोग थे, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस क्या थे, अध्यक्ष थे, याद रखिए। और यही कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, ये देख लो कि भारत 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण करने का चर्चा करना था।
मुस्लिम लीग किस वर्ष स्थापित किया गया? 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1902 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई बताइए। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 में कब किया गया था? 30 दिसंबर 1906 को स्थापना किया गया था। कहां पे किया गया था? ढाका में। तो नवाब, अब देखो दो चीजें हैं, फाउंडर पूछेगा और आगा का पूछेगा तो गड़बड़ करोगे। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को, यानी सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, और आगा खां सचिव थे। आगा खां क्या थे बच्चे? सचिव, याद रखिएगा। तो जब अध्यक्ष पूछेगा, संस्थापक पूछेगा तो सलीमुल्लाह खां, और सचिव पूछेगा तो आगा खां, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मुश्ताक हुसैन ने की। लीग ने 1916 में लखनऊ समझौते के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करने के अलावा कभी भी भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग नहीं की थी, ठीक है। कौन सा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया था? राष्ट्रगुप्तार, दुर्गेश नंदिनी, मराठा निबंधमाला। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। कौन सा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया? दुर्गेश नंदिनी। कौन बच्चे? दुर्गेश नंदिनी। तो किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, बांग्ला भाषा में 1862 से 1864 के बीच में, दुर्गेश नंदिनी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा रचा गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ दीपक जी, अनअकैडमी जो बैच है रेलवे का, उसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे बच्चे, रामप्रसाद बिस्मिल। लेकिन ये इन्होंने फेमस किया था, लिखा कौन था बच्चे जरा बताइएगा? किसने फेमस, इसने इन्होंने फेमस किया था, लिखा किसने था? तो सरफरोशी की तमन्ना उर्दू में एक देशभक्ति कविता है जिसे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, कलम नाम बिस्मिल था, पंडित रामप्रसाद ने लिखा, रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा। और भारत में ब्रिटिश राज के दौरान काकोरी ट्रेन डकैती से लोकप्रिय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। याद रखिएगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था सरफरोश की तमन्ना हमारे दिल में, किसमें? उर्दू में, ठीक है। बिस्मिल्ला अजीमाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। बिस्मिल अजीमाबादी कौन लिखा बताओ जरा जल्दी। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसकी? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, याद रखिएगा। 1931 में कांग्रेस के करासी अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देख लो, पटेल लगाओगे, पटेल लगाओगे, मुझे पता है भाई साहब। ये पूछा कि किसने कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता पूछा है क्या? अध्यक्षता पूछता तब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाते। उन्होंने कहा कि जब मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव को प्रारूप हुआ वो तैयार किसने किया था? तो नेहरू जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया
और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कौन ठग के दमन से जुड़ा हुआ है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ सप्रेशन ऑफ ठग्स? जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कप्तान सलीमन, अलेक्जेंडर ब्रूस या कप्तान रॉबर्ट पेम्बर्टन? क्वेश्चन नंबर 19, बताइए क्या होगा। तो बच्चे कौन ठग के दमन से जुड़ा है? कर्नल सलीमन बोलते हैं, कैप्टन सलीमन, है ना। तो कैप्टन विलियम सलीमन को ठगों को दबाने के लिए किसने नियुक्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था। अगर आप अगली बार पूछता है कि भाई गवर्नर जनरल, तो सलीमन मत मार देना, सलीमन मत मार देना बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले वायसराय कौन थे? द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज, द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कब? 1858 के का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उस एक्ट से लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, ठीक है। ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, चार्ल्स जॉन कैनिंग, जिसे 1837 से 59 तक विस्काउंट कैनिंग के नाम से जानते हैं, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक अंग्रेजी राजनेता गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। यानी 1857 का रिवोल्ट किसके समय में हुआ? तो कैनिंग के समय में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब की मौत कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 21। मतलब ये सवाल आज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है समझिएगा। बेटा अन अकेडमी का हेल्पलाइन नंबर मुझे भी ना पता है, अब बताओ क्या कहूं। औरंगजेब की मौत कहां हुई थी? लैब असिस्टेंट का कोर्स लेना है तो बेटा ले लो ना, ले लो देफलपुर बाबा टेल लगा के ज्वाइन कर लो। आज 22% ऑफर भी है, आज 22% ऑफर भी है। अहमदनगर में मौत हुआ था इनका, कहां पर? अहमदनगर में मृत्यु हुआ। अच्छा बताइएगा इसका मकबरा कहां है, मकबरा कहां है, मकबरा कहां है? मकबरा औरंगाबाद, 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 औरंगाबाद। हाँ धर्मेश जी बाबा टेन कोट है भाई, देखिए समझते हैं। औरंगजेब छठा मुगल सम्राट, व्यापक रूप से अंतिम प्रभावी मुगल सम्राट कह सकते हैं, बिल्कुल सर। 1658 से 1707 तक शासन किया, 49 वर्षों तक। 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु अहमदनगर में हुआ। पहला, इनकी इच्छा के अनुसार इनके आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह दौलताबाद के पास दफनाया गया था शुरुआत में। अब इनका मकबरा औरंगाबाद लाया गया है। अब अगर क्लास के, अब अगर क्वेश्चन कहता है कि शुरुआत जैसे अकबर का, जैसे बाबर का देखते हो, बाबर का शुरू, बाबर को देखते हो कि बाबर को आरंभ में कहां दफनाया गया, तो सर आगरा में, आगरा के आराम बाग में। मकबरा कहां है? तो सर काबुल में है। वैसे ही औरंगजेब का मकबरा शुरुआत में दौलताबाद के पास था, वर्तमान में औरंगाबाद जिले में है। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर हो गया सारा कुछ, जानकारी सही है ना। चलिए, तो दौलताबाद से औरंगाबाद। भारत में पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 22, बताइए। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इंडिया? अठारह
1853 16 अप्रैल 1853, बिल्कुल आसान सा बात है ना। तो दो नए रेलवे कंपनी कौन कौन, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे 1853-54 में क्रमशः बॉम्बे और कलकत्ता के पास दो प्रायोगिक लाइनों के निर्माण और संचालन के लिए बनाए गए थे। बॉम्बे से थाने चला था 34 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन का मार्ग क्या था? जल्दी, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन का मार्ग क्या था बताइएगा। When was the route of the first telegraph line? क्या था? तो कलकत्ता और डायमंड हार्बर, लेकिन अगर स्टडी की बात करें हम तो कलकत्ता और आगरा के बीच फैलाया गया था। तो 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में पहली बार प्रायोगिक के तौर पे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी और 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्तेमाल के लिए खोला गया और 1853 में कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई है। तो कलकत्ता से डायमंड हार्बर पहला था, इसके बाद फिर, तो गलती मत करिए, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों को हम किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं? क्या वो रियलिस्टिक था या सोशलिस्टिक था या फिर पुनरुद्धावादी था, पुनरुद्धारवादी था या प्रभाववादी था? क्वेश्चन नंबर 24, क्या होगा? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जो चित्र है वो क्या था? पुनरुद्धारवादी था। कैसे पुनरुद्धारवादी, क्या कहते हैं? मतलब कि भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नए नए क्लेवर इन्होंने ऐड किया चित्रकला में, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। जरा बताइएगा, भारत माता का चित्र किसने बनाया है? तो भारत माता का जो चित्र है उसका निर्माण किसने किया है, भारत माता का चित्र उसका निर्माण किसने किया, जरा बताइएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर है तो जरा थम दिखाना, न तो बताना नाम। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 को विधानसभा की बैठक हुई, उस समितियों वहां पर कई समिति गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऐसी समितियों में मौलिक अधिकारों पर एक संघ समिति थी, संघ शक्ति समिति थी और संघ संविधान समिति थी, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ द, क्या होगा? तो इसीलिए डेवलप नहीं हुआ था माय डियर, क्योंकि भारी उद्योगों का अभाव था। क्यों? भारत मार्केट के रूप में यूज करते थे अंग्रेज, भारत को मार्केट के रूप में, कैसे? कच्चे माल यहां से लेते थे और कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाते थे, वहां से तैयार करते थे और इंडिया के मार्केट में सेल करते थे, बेचते थे। इसीलिए जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज नहीं हुए भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो सेकेंड फाइबर प्लान में भारी उद्योग स्थापित करने पर जोर देते हैं, कई सारे स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी, है ना। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो था? रक्षा, विदेश और राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य और कृषि, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946? खाद्य और कृषि, अभी तो बताया मैंने आपको, अभी तो आपने पढ़ा कि फूड एंड एग्रीकल्चर थे। कौन? रक्षा किनके पास था? बलदेव सिंह। नेक्स्ट, 1947 में भारत आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, उनके पहले की बात करता है ये।
जिस मुद्दे पर 1930 का सविनयवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ वह मुद्दा कौन सा था? भारतीयों के लिए समान रोजगार के अवसर, भगत सिंह के प्रस्तावित फांसी का विरोध, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नमक के अधिकार या पूर्ण स्वतंत्रता? क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। क्या होगा? तो अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नमक पर एकाधिकार, इसीलिए सविनय आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, है ना, याद रखिएगा। बिल्कुल 12 मार्च 1930 के ऐतिहासिक दिन गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च का संचालन कर सविनय आंदोलन का उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भाई इतना जबरदस्त सेशन करा रहे हैं, अब एग्जाम हॉल में ना बना क्या होगे तो भाई आपके ऊपर है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए क्या होगा। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? क्या होगा? सिराज गोपालाचारी। अब कई लोगों को शिकायत होता है इस क्वेश्चन में, कई लोगों को शिकायत होता है, माउंटबेटन लगाएंगे। अब क्या पता माउंटबेटन लगाएंगे और क्या कहेंगे, सर भारतीय थोड़े ना पूछा है। अब ये बताइए लास्ट मतलब लास्ट, लास्ट मतलब लास्ट, चाहे वो भारतीय हो या अंग्रेज हो, लास्ट मतलब लास्ट सिराज गोपालाचारी। क्लियर है? लास्ट मतलब लास्ट, भारतीय पूछे या ना पूछे, अंडरस्टूड ही समझना पड़ेगा। ठीक है, भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? Which was India's first talkie feature film? भारत की पहली बोलती फीचर फिल्म आला मारा और राजा हरिचंद्र। यह मुक था, मुक मतलब गूंगा, मतलब बिना बोलने वाला फिल्म, है ना। तो देखो आला मारा का डायरेक्टर कौन है? अरदेसिर ईरानी। और सिर्फ पुंडलिक जो 1912 में रिलीज हुआ, पहले फीचर लेंथ भारतीय फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। और राजा हरिचंद 1913 में रिलीज हुआ, एक मुख्य फिल्म है। 1916 में रिलीज कीचावधम दक्षिण भारत में बनी पहली फिल्म है। तो ये से याद रख लीजिए, जितना इन्फॉर्मेशन दिया मैंने ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ने जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार के नेतृत्व में लोकप्रिय आक्रोश की लहर को जगाया? क्वेश्चन नंबर 31। तो किस एक ने जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार के नेतृत्व में लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाया, बताइएगा जरा सा। क्या होगा? रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया, काला कानून कहा गया, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। इसी के बाद ही तो जालियांवाला बाग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भैया सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोग बैसाखी के दिन में 13 अप्रैल 1919 को जमा होते हैं जालियांवाला बाग में, अमृतसर में, वहीं पर जनरल डायर आता है, गोली चला देता है, है ना, याद रखिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रॉलेट विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया, जिसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के अदालत में कैद करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 32। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? क्वेश्चन नंबर 32 बताइए क्या होगा, बताओ बच्चे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। फीमेल की तरफ से, महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू ने भाग लिया, जबकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भाग लेते हैं कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी भाग लेते हैं कांग्रेस की तरफ से, याद रखिएगा। ठीक है, तो 29 अगस्त 1931 को गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए SS राजपुताना में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। वुमेन कहां बोला?
अरे दीपेंद्र साहब, जब ऑप्शन दिया है और सरोजनी नायडू ही गई है तो भैया क्या करोगे, गलती करोगे क्या? आपको बेटा सब कुछ बता देगा क्या कि भैया यहां है, वो है, ये है? कुछ तो समझो यार, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, अब तो एग्जाम नजदीक आ गया ना, बता दो ना। एनी बेसेंट गई थी क्या? नहीं गई थी। अरुणासा पहले गई थी क्या? नहीं गई थी। भारत के दूसरे गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद कौन सफल हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, हु सक्सीडेड सरदार वल्लभ भाई पटेल एज द सेकेंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए, देख रहे हो सर, वर्ल्ड हिस्ट्री करवा दो, हे भगवान, यहाँ इंडियन हिस्ट्री होना रहा है बेटा? वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, किसकी तैयारी कर रहे हो? कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी नहीं हो रही है? सिराज गोपालाचारी, दूसरे गृह मंत्री सिराज गोपालाचारी, यानी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कह सकते हैं वो सिराज गोपालाचारी है। कौन है? सिराज गोपालाचारी, होम मिनिस्टर, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने अपना प्रसिद्ध समाचार पत्र द लीडर किस स्थान से प्रकाशित कराया? फ्रॉम विच प्लेस डिड मदन मोहन मालवीय पब्लिश हिज फेमस न्यूज पेपर द लीडर? तो बच्चे इलाहाबाद से, और मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, याद रखिएगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्हें महामना के नाम से जानते हैं, रविन्द्र टैगोर ने महामना कहा था, इलाहाबाद से इनका संबंध था, एक उदारवादी राष्ट्रवादी नेता, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, इलाहाबाद से द लीडर समाचार पत्र प्रकाशित कर, तीन बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तीन बार कांग्रेस के ये अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय में देखने को मिला? माफी चाहेंगे, डफरिन, डलहौजी, लिट्टन, कर्जन, क्वेश्चन नंबर 35। डलहौजी, देख रो ये 2000 ईस्वी में पूछा गया है, ईयर लिखा हुआ ना मिस्टेक से, ये 2000 ईस्वी में पूछा गया है। कहां से सवाल है ये? तो सीजीएल का सवाल है ये, मतलब आपके लिए क्वेश्चंस कहां कहां से ढूंढे जाते हैं देख सकते हो, 2000 ईस्वी में पूछा गया, सीजीएल का सवाल है। तो डलहौजी क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी लेकर आया था, ठीक है। तो भाई ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के दौरान उनके हड़प सिद्धांत के कारण हुआ है। किसे हड़पा गया? तो देखो, झांसी है, सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, उदयपुर छत्तीसगढ़ पड़ता है, नागपुर है, और कुशासन के तहत अवध को हड़प लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में महत्वपूर्ण फ्रांसीसी कब्जे वाले स्थान का नाम क्या है? गोवा, पांडिचेरी, दमन, कोचिन, क्वेश्चन नंबर 36। अंजलि जी, पहली बार तो 1909 में बनते हैं, बाकी बाद ये आपका होमवर्क है कि कब कब बने ये कमेंट बॉक्स में बताना या फिर कल बताना, ठीक है। तो पांडिचेरी कौन था? पांडिचेरी, तो पांडिचेरी पूर्व फ्रांसीसी भारत के चार परिक्षेत्रों में से गठित भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश, इसका नाम सबसे बड़े पांडिचेरी में रखा गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 में पांडिचेरी को ट्रेडिंग सेंटर के रूप में स्थापना की। कब? 1674 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना का गठन किया है? ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या वीडी सावरकर? क्वेश्चन नंबर 37। कोलकाता नहीं, लाहौर है 1909 में लाहौर है, याद रखना कलकत्ता नहीं है। तो क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस बने थे। कौन बने? तो 1941 की शुरुआत में उन्होंने सेना में उस समय जर्मनी में रहने वाले समय सेवकों के रूप में भारतीय छात्र और उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए कुछ मुट्ठी भर भारतीय कैदियों को भर्ती किया और फिर वे शामिल हुए, ठीक है।
तो जनवरी 1942 में प्रचार मंत्रालय ने बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की और फिर उसे फ्री इंडियन अंकित था उस झंडे में 1942 के अंत में। कब जारी किया गया? 1942 के अंत में, और नाम दिया गया फ्री इंडियन लीजन यानी आजाद हिंद फौज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली शब्द का प्रयोग किया है? आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, सवाल नंबर 38। क्या होगा भाई? तो बच्चे आपको याद होगा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पढ़ा चुके हैं कई बार अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। याद करिए, कल ही तो पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया मैंने। तो दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें अन ब्रिटिश शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हरदयाल एक बौद्धिक दिग्गज थे, किससे संबंधित थे? होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 39। हरदयाल एन इंटेलेक्चुअल जॉइंट वाज एसोसिएट विथ गदर आंदोलन, क्यों? क्योंकि हरदयाल, लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, 1913 में, याद रखना बिल्कुल। लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। वह एक बहुविध थे, बहुविध मतलब कि भाई बहुमुखी, एक साथ वो कई सारे काम में टैलेंटेड थे, इसीलिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ठुकरा दिया। बोला भाई देख रहे हो, सोचो भारतीय सिविल सेवा के नौकर को ठुकरा कर इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। बहुविध मतलब होता है कि टैलेंटेड गाइज। ठीक है, 1908 में ब्रिटिश द्वारा जेल में बंद करने पर बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया था, कहां? अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर या मांडले। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। तो 1908 में ब्रिटिश द्वारा जेल में बंद करने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था, कहां? मांडले। कहां पे बच्चे? मांडले जेल भेजा गया था, याद रखिए, कहां पे? मांडले। तो तिलक ने अपने पत्र केसरी में क्रांतिकारियों का बचाव किया। कौन क्रांतिकारियों? क्योंकि 1908 में खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने जो बॉम्ब फेंका था मुजफ्फरपुर में, उनको बचाने के लिए, क्रांतिकारियों का बचाव करने के लिए केसरी में लिखा, जो किस भाषा में? तो मराठा भाषा में, मराठी भाषा में। और स्वराज या स्वशासन का आह्वान किया। सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया और 1908 से 14 तक मांडले वर्मा भेज दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आज का सेशन माय डियर। याद रखिएगा, आज शाम को 6:05 पे वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो मिस मत करिएगा। यूज अनलॉक कोड बावटेन। कैसा रहा सेशन? अगर रहा तो मजा आया होगा, तो लाइक ठोकना बिल्कुल। और शाम को 7, जो आज 5 बजे वाली क्लास है वो शाम को 7 बजे होगी रिविजन सीरीज, और रात में एनसीईआरटी साइंस। ठीक है, याद रहे आज से बैच शुरू हुआ, पहला लेक्चर 12:40 में था। आप जुड़ते हैं तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, जैसे अभी क्या होता है कि आप कई सारे क्लास करते हैं और रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये बैच ज्वाइन करिए, और जो आप 10 क्लास करते हो ना, भटकना नहीं पड़ेगा। अब देखोगे यार, बहुत कम प्राइस है, अभी मात्र 22% अगर आप यूज करते हो, बाबा 10 कोड यूज करते हो, तो लगभग 3 महीने का 1000 के आसपास पड़ता है। और केवल जीएससी नहीं, यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस सब कुछ कवर। तो समय भी बचेगा और सारगर्भित नोट्स भी मिलता चला जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, 6:05 पे क्लास है, तो जुड़िएगा जरूर। ये देख लो, 22% ऑफ ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एक्सटेंडेड टिल जनवरी 5 ईयर्स लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एसएससी टारगेट कर रहे हैं 2022 में, तो एसएससी में जुड़िए, वहाँ भी 22% अप्लीकेबल है, उसमें भी आप कोड यूज कर सकते हो। इसके अलावा सीटैट, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, आप यूज कर सकते हो हमारा रेफरल कोड और 22% का फायदा उठाइए। ठीक है, वहाँ जुड़ने के बाद फीचर, एक नया फीचर कि आप एजुकेटर से बात भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्राइट कंटेंट मिला हो तो आप रिपोर्ट करिए और अवार्ड जीत सकते हो। इस बार 9 जनवरी को 12:00 बजे कॉम्बेट होगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स।
तो अभी इनरोल कर लेना, कोड मांगेगा कोड डालकर, और अगर आप 1, 2, 3 रैंक आते हैं तो आपको एक साल का SSS सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफर कोड बाबा टेन लगाकर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। सिलसिला अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे का, तो आज पहली स्पेशल क्लास शाम को 6 बजे और फिर दूसरी शाम को 7 बजे है, ठीक है। तब